गोपालगंज जिले में पंचायत चुनाव अब रोमांचक होता जा रहा है। जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने जेल में बंद अपने भतीजे मुकेश पांडे के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जदयू विधायक पप्पू पांडे का भतीजा मुकेश पांडे हत्या के मामले में जेल में बंद है। वह जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 से चुनावी मैदान में है। मुकेश पांडे जिला परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष भी है। जदयू विधायक पप्पू पांडे ने कहा कि उनके भतीजे मुकेश पांडे को हत्या के झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। वह निर्दोष है, उसे जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा भतीजा एक बार फिर रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगा। विधायक पप्पू पांडे ने बताया कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 में कुल 5 पंचायत है। वे इन सभी पंचायतों का दौरा करेंगे। प्रतिदिन एक एक पंचायत का दौरा कर मुकेश पांडे के द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी लोगों को देंगे। प्रणाम करते हैं, पापा को वोट दीजिए, पापा को जिताइए, पापा को जेल से निकाल लिया आपको। सोमवार दिन है और मैं अपने भतीजा के लिए और कर्मठ एवं सुयोग्य उम्मीदवार श्री मुकेश पांडे जी क्षेत्र संख्या 18 से उम्मीदवार हैं। पहले भी वहां से जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं और पुनः फिर उनका पर्चा दाखिला हुआ है और हम लोग और जो भी हमारे लोग हैं मित्र जो भी हैं दोस्त संगतियाँ और क्षेत्र संख्या 18 के जो भी हमारे जनता माताएं बहनें बुजुर्ग मैं सभी को प्रणाम और नमस्कार करता हूं कि उनको विकास के नाम पे फिर से पुनः मुकेश पांडे जी को आशीर्वाद देने वहां की जनता जा रही है और जो उन्होंने 5 साल में काम किया है कोरोना काल में सबके यहाँ सामान मुहैया कराना या रूट से संबंधित बिजली से संबंधित स्वास्थ्य संबंधित शादी विवाह कजिया कलाम मंदिर मस्जिद में सबको मदद करना तो जनता ने मन बना लिया है मुकेश पांडे जी को भारी मतों से चुनाव जिताने का और 24 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग है। हम लोगों का लेटर बॉक्स चुनाव चिन्ह मिला है। 26 तारीख को काउंटिंग होगा तो आज मैं चल रहा हूँ सुहागपुर पंचायत में। जिला परिषद क्षेत्र संख्या में 5 पंचायत आ रहे हैं और मैं एक दिन एक पंचायत का दौरा करूंगा, सब जनता से चल के मिलूंगा और जो भी उनके द्वारा विकास हुआ है मैं उनको उसको बताने का काम करूंगा और जनता से आशीर्वाद लेकर के मुकेश पांडे जी को जिताने का काम करूंगा, अपने लड़के को भतीजे को। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।